अब फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्लम नेटवर्क के टेस्टनेट के बारे में, जहां पे एक अच्छा खासा एयरड्रॉप आप ग्रैब कर सकते हो। इजीली आपकी जो है वो अर्निंग $500 से लेके $1000 की इजीली हो जाएगी, लेकिन यहां पे आपको माइल्स इकट्ठे करने पड़ेंगे और इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके जो है वो आपका इस एयरड्रॉप से अर्निंग हो पाएगी। अच्छे खासे वेंचर्स इनके साथ हैं, अच्छे खासे जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो इनके साथ काम कर रहे हैं, इवन बाइनांस और अगर मैं बात करूँ गूगल के साथ इनका पार्टनरशिप है। तो मेक श्योर दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ये यहाँ पे इनकी थर्ड वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहां पे स्टेप्स हमारे चल रहे हैं। आपको जो है वो थर्ड वीडियो के हिसाब से यहां पे गाइड आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो इन वीडियोस को भी जाके देखिएगा। पहली वीडियो में तो सिर्फ और सिर्फ आपको इनके फॉर्म के अंदर साइन अप करना है, ट्विटर अकाउंट को फॉलो करना है और यहां पे जो है वो अपने मेटामास्क से कनेक्ट करना है। सेकंड वीडियो के अंदर दोस्तों यहां पे जो है वो आपको NFT मिंट करनी है। उस NFT मिंट करने वाली वीडियो मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर बताई है, आप उस वीडियो को जाके देख लो। इजीली है वो, फ्री ऑफ कॉस्ट NFT है, आपको कोई एक रुपया भी नहीं लगाना है। मैंने आपको बताया है वो वाला आप कर लीजिएगा। अब बारी आती है इनके ऑनबोर्डिंग टास्क की, जहां पे जो है वो आपको NFT मिली। NFT के बाद दोस्तों आपको जो है वो यहां पे फ्लाइट के अंदर बैठा दिया गया है। अब फ्लाइट के अंदर जब बैठा दिया गया है तो भाई यहां पे आपको टास्क भी असाइन कर दिए गए हैं। तो मेक श्योर वीडियो जो है वो एंड तक देखना और हमारा टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन करके रहो, क्योंकि अपडेट में सबसे पहले वहां पे शेयर कर देता हूं। अब जब आप ये वीडियो देख रहे होगे ना, उससे पहले मैंने यहां पे शेयर कर दी होगी। तो सिंपली दोस्तों आपको मैं लेके चलता हूं यहां पे अपने मैकबुक के स्क्रीन के अंदर, जहां पे मैं डिटेल में आपको समझा पाऊंगा प्लम के बारे में। सिंपली फ्रेंड, मैं प्लम नेटवर्क .xyz के अंदर यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा पहली स्क्रीन में, ठीक है। आपको क्लिक करना है ज्वाइन टेस्टनेट लाउंज के अंदर। वैसे मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, तो आप यहाँ पे से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, मिंट यूअर गून। सबसे पहले आपको टास्क ये करना है, आपको आपकी गून की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको आपके NFT की जरूरत पड़ेगी। वो NFT दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाने वाली है। मैं फटाफट से एक बार इसको ऑन कर लेता हूँ, मतलब टेस्टनेट को चेंज कर लेता हूँ, अभी बेस की टेस्टनेट के अंदर है, यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखो दोस्तों आपको अपनी NFT मिंट करनी है। आपकी जब NFT मिंट हो जाएगी उसके बाद आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको चेक इन का ऑप्शन मिलेगा, फॉसेट का ऑप्शन मिलेगा, पासपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। वो कब मिलेगा, जब आप जो है वो इनके एक इनका पेस था डायमंड टायर, अगर आप प्लेटिनियम में हो या अलग अलग टायर के अंदर हो तो अलग अलग हिसाब से जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहे थे। अब सबसे पहले तो आपको डेली चेक इन कर लेना है। डेली अगर आप चेक इन करते हो दोस्तों, यहाँ पे आपकी मशीन जैसे ही एक्टिवेट होगी, डेली चेक इन होगी, तो आपको यहाँ पे स्ट्राइक वन, स्ट्राइक टू, स्ट्राइक थ्री करके यहां पे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहां पे आपको दोबारा से अर्न माइल के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉसेट्स क्लेम करने हैं। अब ये फॉसेट्स आपको दो तरीके से मिलेंगे, एक तो इथेरियम का फॉसेट मिलेगा ताकि आप अपने ट्रांजेक्शन कर पाओ, दूसरा आपको फॉसेट मिलेगा गून के तौर पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे इथेरियम का फॉसेट एक बार ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ले लिया है। अब गून का देखते हैं, क्योंकि गून वाला जो आपको फॉसेट है, विद इन अस हर 10 मिनट के अंदर आप जो है वो एक गून ले सकते हो। फटाफट से जो है अपना पासवर्ड डाल के इसको ऑन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कंफर्म नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो मेरे को यहाँ पे 0.01 रिसीव हो गए हैं गून के हिसाब से, तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। वैसे तो आप ब्रिज भी कर लीजिएगा, ब्रिज करने में जो है दोस्तों यहाँ पे आपके एक और टास्क यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। सपोलिया से अगर आपको प्लम नेटवर्क में जाना है या प्लम नेटवर्क से अगर आपको इथेरियम ले जाना है सपोलिया के अंदर, तो ये वाला टास्क भी आप कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा ईजी आपका काम भी हो जाएगा एयर ड्रॉप में। मे बी अगर ये आगे चल के असाइन रखते हैं। मेरा यहाँ पे ट्विटर हैंडल यहाँ पे सस्पेंड हुआ है, आई डोंट नो ट्विटर मुझसे क्या चाहता है, ना मुझे रिप्लाई कर रहा है, ना पता नहीं क्या हो गया ट्विटर को। योर अकाउंट इज सस्पेंडेड नॉट परमिटेड, तो भाई आगे चल के मैं इसके अंदर एलिजिबल हूँगा कि नहीं हूँगा पता नहीं, बट आप लोग यहाँ पे एलिजिबल डेफिनेटली हो जाइएगा। यहाँ पे आपको 5000 miles मिल जाएंगे जैसे ही आप इनके लाउंज के अंदर एक्टिवेट करेंगे। डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करेंगे तो 5000 miles आपको और मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्विटर को फॉलो करके रखना है, ट्विटर को करना है। ट्विटर जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आप जो है वो फिर से 5000 miles अर्न करोगे। अब मेन टास्क आपका कहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको स्वैप ऑन एम्बिएंट गून के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पे आप 5000 miles ऑन कर पाओ और भी ऑन कर पाओगे, लेकिन वो कैसे करोगे, सिंपली मैं जाता हूँ यहाँ पे सेकंड वाले टास्क के अंदर, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले टास्क में ऑलरेडी टेस्टनेट टोकन्स क्लेम कर लिए हैं। यहाँ पे सेकंड वाले टास्क के अंदर मैं जैसे ही जाता हूँ तो यहाँ पे plum.ambient.finance का वेबसाइट खुल के आ जाता है। यहाँ पे अपने प्लम नेटवर्क कनेक्ट करके रखिएगा। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे जितने भी आपको गून मिले हैं या आपको टेस्टनेट मिले हैं, जैसे मेरे को 1 गून मिला है, तो उसके बदले मेरे को इतने USD मिल रहे हैं, गून USD मिल रहे हैं, तो सिंपली मैं इसको कन्फर्म नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे कन्फर्म स्वैप के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये टेस्टनेट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपसे चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। दोबारा से बोल रहा हूँ, ये इथेरियम आपके टेस्टनेट के कट रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपली गैस फी पे कर देनी है। सिंपली आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी और ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होकर आपको गून मिल जाएंगे। सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा गून का, तो इंपोर्ट आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 1900
1998 गून का है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये वाला टास्क कंप्लीट कर लोगे दोस्तों, आपके यहाँ पे माइल्स आपको देखने में मिल जाएंगे। आई डोंट नो मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं अभी, क्योंकि मेरा ट्विटर हैंडल्स में भी सब वो है, सस्पेंड है, तो इसलिए ये वाला टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा है। बट आपको स्वैप एंड अर्न करना है, आपका ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेक ऑन नेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। ये वेरिएबल है, इसमें जो है वो कितने माइल्स मिलेंगे वो डिपेंड करेगा कि भाई आपने कितना अमाउंट जो है स्टेक किया है। मैं फटाफट से इसके ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे आपको स्वैप टेस्टनेट टोकन एंड एमबीएट का जो हमने ये वाला टास्क किया था ना, ये वाला टास्क किया था, वो वाला टास्क यहाँ पे है, सेकंड वाला। सिंपली आपको स्टेक नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे स्टेक नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, जितने भी आपके पास गून होंगे उसको आप स्टेक कर लीजिएगा। 998 के आसपास मेरे पास गून है, मैं मैक्स करता हूँ। यहाँ पे स्टेक नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही एक रिक्वेस्ट जाती है तो यहाँ पे हमारा ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। ये वेरिएबल है, डिपेंड करेगा कि भाई यहाँ पे कितने आपको माइल्स मिलेंगे या कितना अमाउंट जो है वो आपने स्टेक करके रखा हुआ है। ट्रांजेक्शन अभी पेंडिंग में है, मैं यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं आपका हमारा ये वाला स्टेकिंग कंप्लीट हो गया है। ओवरऑल अमाउंट मैंने इतना स्टेक करके रखा हुआ है। अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हो तो क्लेम भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लेम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और टेस्टनेट टोकन से यहाँ पे क्लेम करोगे, यहाँ पे आपको जो भी माइल्स मिलेगी आगे चल के आप जो है वो इसको क्लेम कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका क्लेमेबल रिवॉर्ड्स होगा वो आपको जो है 3 घंटे बाद यहाँ पे दिखाई देने वाला है। नेक्स्ट टोकन जो मिलेंगे वो भी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। मे भी हो सकता है कि आगे चल के नेक्स्ट स्टेकिंग में जो भी आपको टोकन मिलेंगे इसके बदले आपको रिवॉर्ड्स दिया जाए। तो यहाँ पे दोबारा से मैं अर्न माइल वाले सेक्शन के अंदर जाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे है बिटगेट वॉलेट, फिर है नेक्स्ट वॉलेट, अब क्या है, इन सबको गैलेक्स के टास्क के अंदर यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ गैलेक्स टास्क के अंदर, तो मेक श्योर दोस्तों यहाँ पे सारे सारे टास्क कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरा अभी अकाउंट सस्पेंड है ट्विटर का, तो ये कोई भी टास्क मेरा नहीं हो पाएगा। अगर आपके सारे सारे टास्क कंप्लीट होते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप इसके अंदर एलिजिबल हो जाओगे एयर ड्रॉप के लिए। तो ये देखो, सिंपली आपको बिटगेट को फॉलो करना है, ये आपने कर लिया। बिटगेट पेज के अंदर आपको विजिट करना है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाले पेज के अंदर आपको विजिट करना है, ठीक है। ये वाला टास्क ऐसे ही आपका कंप्लीट होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वो आपको मेंबर बनना है यहाँ पे इसमें डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर, ठीक है। मैं इसको एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आर यू ह्यूमन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ फटाफट से। इसमें से क्या अलग है ये, नहीं आई डोंट नो दोस्तों ये वाला टास्क हमारा क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है। बट जैसे ही ये वाला टास्क हमारा कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आपको इसको वो करना है, रिफ्रेश करना है, आपका जो है वो टास्क जैसे ही कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आप जो है वो अपने टास्क को कंप्लीट करके जितने ही आपको 100 पॉइंट्स मिल रहे हैं इसको आप क्लेम कर लीजिएगा फटाफट से। दोस्तों ये वाले टास्क को मैं अपने मोबाइल फोन से कंप्लीट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इस पेज को एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे को 100 पॉइंट क्लेम करने का ऑप्शन आ गया है, फटाफट से इस पॉइंट को क्लेम करता हूँ। आई डोंट नो मेरा पहला टास्क कैसे कंप्लीट हुआ, होना तो नहीं चाहिए, आप देखते हैं भाई आगे चल के कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। फॉलो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये वाले टास्क को भी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। इनको डिस्कॉर्ड को फॉलो करना है, इनके ट्विटर हैंडल को फॉलो करना है। तो यहाँ पे आके एक बार टास्क देखते हैं वेरीफाई होता है कि नहीं होता है। तो टास्क वेरीफाई हो गया है, अब आगे चल के मेरा अकाउंट ओपन होगा तो मैं डेफिनेटली सारे सारे टास्क कंप्लीट कर लूंगा। ओमनी वाला भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आपको सारे के सारे टास्क कंप्लीट करके गैलेक्सी के आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर पासपोर्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपके पास 10,000 माइल्स होते हैं देन दोस्तों यहाँ पे आप इसको अपग्रेड कर पाओगे। इकोनॉमी क्लास के अंदर अभी आप हो, बिजनेस के अंदर, फर्स्ट के अंदर, प्राइवेट के अंदर आपको जाना है। कलेक्ट मोर स्टैम्प, जो भी आपके स्टैम्प्स बाकी है रिमेंबर्स वो यहाँ पे आपको कलेक्ट करते रहने हैं। अब यहाँ पे आपको अपना ट्विटर अकाउंट और डिस्कॉर्ड अकाउंट कनेक्ट करना है ताकि ये चेक कर पाएं कि भाई आप सेम अकाउंट से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इधर साइड आपको आपका रेफरल कोड देखने को मिलेगा, अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया है किस तरीके से सारे के सारे काम होंगे। प्लम, मैविक और गेस्ट प्राइस का यहाँ पे अभी टास्क आना बाकी है, ये कमिंग सून के अंदर है। आगे चल के जो है वो हम अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल के अंदर नए हो, अगर आपको समझ में आते हैं किस तरीके से टास्क करने हैं तो डेफिनेटली करिए। मैं तो आपको बोलूंगा करिए क्योंकि अच्छी खासी बैकिंग है इस प्रोजेक्ट के अंदर और ये RWA कैटेगरी का कॉइन है। तो भाई लेयर 0 गैलेक्स और JP Morgan, Coinbase, Binance, Google यहाँ पे जो है वो इनके साथ वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे हाना वेंचर जैसे अच्छे अच्छे वेंचर्स जो है वो इनके साथ वर्क कर रहे हैं। पोर्टल वेंचर्स भी है और यहाँ पे अच्छी खासी $10 million की सीड फंडिंग राउंड भी इन्हें मार्केट से उठाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा सॉलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्टनेट के थ्रू टोकन्स दिए जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो प्रेजेंट करते हैं, धन्यवाद।